देखिए पूरा देखिए पूरा बेसन सूजी गोल तेल साबुन नहाने का ये दाल वाल खुद पैक करते हैं। नारियल रेड पेस्ट ऊपर में क्या रखते हैं? सबसे ज्यादा क्या बिकने वाला चीज है? ठंडा दाल रेगुलर है, हर घर की जरूरत निर्मयी है। थोड़ा सा सभी आइटम रखेंगे ना तो काम चालू हो जाएगा। सीट में ही पूरा सब रख दिया आइटम, उधर से घेर दिया ताकि छोटा छोटा चीज बता रहा हूँ मैं आप वाला भूख लगा दिया। सामने भी इन्होंने इसका आइडिया कहाँ से आया? भाई पार्ट टाइम जॉब में करो, अगर आपको अच्छा लगा तो आगे बढ़ा। मैं दैतून बेचता था पहले, आधे घंटे से वहाँ पे बिजी थे तो जॉब छोड़ दिया। मैं इसमें से ज्यादा कमा लेता हूँ। स्टार्ट ये गाड़ी से किया था, टू व्हीलर से किया था। 20,000 का सामान टीवीएस में आ जाता है, 2 साल से चला रहे इसमें। ई रिक्शा क्यों लिया आपने? तो दूसरा भी ले सकते थे। 10,000 तक डेली सेल। कॉलोनी में घूमना तो थोड़ा अजीब नहीं लगा आपको? बहुत अजीब लगता है। अब बाहर निकले हैं तो शर्म को मानना पड़ेगा। सैलरी वही 8,000 रुपए से ज्यादा नहीं था। बहुत आपको इंस्पिरेशन मिलने वाला है। दिवांगन भाई को एक छोटा सा रिस्पेक्ट देना चाहूंगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई और अच्छा लगता है ऐसा, है ना? क्लैप है और एक रिस्पेक्ट है। हेलो गाइस, मैं रोशन सिंह, नेटवर्क ऑफ इंडिया। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मेरे पूरे वीडियोस देखते होंगे। गाइस आप लोग के लिए मैं डेली वीडियो लेके आता हूँ, कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होते होंगे आगे बढ़ने का। बहुत सारा मैं जरिया बताता हूँ ताकि आप भी कुछ कर सके। दोस्तों मेरे साथ है मिस्टर ओम प्रकाश जी है, देख सकते हैं ना कि ये इस टाइप से ये पूरा राशन का काम करते हैं घूम घूम के। देखिए अलग अलग टाइप से पूरा जुगाड़ में इन्होंने बनाया है, और ऐसे लोग को आपको लेके आता हूँ ताकि आप भी मोटिवेट हो सके। कभी कभी होता है कि आपके पास काम नहीं होता है, समझ में नहीं आता क्या करूँ लाइफ में, जॉब छूट जाता है या कोई भी ऐसी बात। तो ओम प्रकाश जी है ना 5 साल से ये काम कर रहे हैं, और इससे पहले वो एयरटेल में जॉब करते थे। तो आइए हम इनसे जानकारी लेंगे कि जॉब करते हुए अच्छे खासे काम करते हुए ये कैसे चालू कर दिए। और ऐसे ही मैं वीडियो आप लोग के लिए डेली लेके आता हूँ, दोपहर 1 बजे और रात को 6 बजे। तो ऐसे ही आप देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब भी आप घर से निकलिए आप प्लीज़ हेलमेट पहनिए। बहुत लोग देखिए अपना लाइफ रिस्क में डालते हैं, बिना हेलमेट के जाते हैं। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप हेलमेट जरूर पहनिए और अपने को सुरक्षित रखिए, अपने फैमिली को सुरक्षित रखिए, और कभी हार मत मानिए दोस्तों, है ना? तो चलिए आइए हम इनसे मिलते हैं और आगे की जानकारी लेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत आपको इंस्पिरेशन मिलने वाला है और आप मोटिवेट हो जाएंगे, आप कुछ करेंगे अपने लाइफ में। चलिए आइए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ओम प्रकाश जी थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। ये बिजनेस आप कब से कर रहे हैं? 5 साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे आप? एयरटेल में जॉब था मेरा। तो एयरटेल में जॉब करते हुए फिर ये कैसे आपने क्या एयर जॉब जो है ना जो सारी फिक्स होता है और इसमें क्या अनलिमिटेड है और पहले ही मैंने पहले भी जॉब पहले से भी कर रहा था मैं 2008 से। यार मेरी जो डिप्रेशन बनना लगा ना तो मैंने चेंज करके ये लाइन पकड़ा मैंने। अच्छा तो आप कुछ पढ़े लिखे भी? दसवीं के बाद। वो एयरटेल में क्या करते थे आप? फॉर्म कलेक्शन सेल्समैन था दोनों। सेल्समैन का। वो सिम बेचते थे क्या? सिम बेचना था सिम और कलेक्शन करवाना था। और कितना पैसा मिल जाता था उसमें? सैलरी वही 8,000 रुपये से ज़्यादा नहीं था। 8,000। तो उससे पहले भी जॉब कहीं और करते थे एयरटेल से पहले भी? उससे पहले जॉब किया हूँ बहुत किया आपने, मतलब बहुत जगह काम किया आपने जी। फिर इसका आइडिया कहाँ से आया आपको? इसका आइडिया मेरे परिवार वाले दिए हैं। परिवार वाले जी। अच्छा वो लोग क्या पहले से कर रहे हैं? अच्छा फैमिली में कोई कर रहा था? बहुत कर रहे हैं। अच्छा तो बोले यार तुम आज तक काम कर रहे हो उससे अच्छा ये करो, भाई पार्ट टाइम जॉब में करो, सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक करो, अगर आपको अच्छा लगा तो आगे बढ़ाना बोले। उसके मैंने कंटिन्यू किया 3 साल और इससे पहले। अच्छा उसके बाद मतलब अब एयरटेल में क्या मॉर्निंग में डिप्रेशन चालू हो गया, कैनोपी लगाओ सुबह उठो मॉर्निंग में और कैनोपी लगाओ, शरीर उठ नहीं देना है। तो मैंने उसको फिर साइड लगाया, मैंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि मैं इसमें उससे ज़्यादा कमा लेता हूँ। 8,000 मेरे घर का खर्चा सिर्फ राशन सामान ही है मेरा। मैंने खर्चा मेरा इसी मेरा पर्सनल खर्चा सब मिला करके मेरा 20,000 है और सैलरी 8,000 रुपये, तो कहाँ चलेगा ये सब? सही बात है। तो मैंने जॉब चेंज कर दिया। अब उससे मैं बहुत खुश हूँ और ये संतुष्ट में आने के बाद से। तो आपने क्या स्टार्ट ये गाड़ी से किया था कि कैसे किया था? टीवीएस एक्सेल से। टीवीएस एक्सेल से किया था, मतलब टू व्हीलर से किया था? टू व्हीलर से, है ना, लूना से। वो कितना दिन चला है उसमें? उसमें भी
तीन साल चलाया जी। अच्छा तो वो TVS क्या खरीदे थे, फिर खरीद के फिर इन्वेस्टमेंट करके फिर? मैं सेकंड हैंड लिया था। सेकंड हैंड लिए थे? कितने का लिए थे? 15,000 में। और वो सामान कितने का भर के लेके जाते थे डेली? समथिंग उसमें 20,000 तक का। 20,000 का सामान TVS में आ जाता है? अच्छा, मतलब ये कहना चाहिए कि जो कोई अगर कुछ करना चाहता अपने लाइफ में तो वो कम पैसे से भी चालू कर सकता है, इसका मतलब है ना? साइकिल वाइकल से नहीं सोचे ना आपने? साइकिल से, टू व्हीलर से ही सोचा आपने? क्योंकि टू व्हीलर इसलिए बोल रहा हूँ मैं TVS करके, कि लोड क्या हैवी बॉडी रहता है गाड़ियों का, और साइकिल क्या है वो लोडिंग नहीं सह पाएगा, तो ये टू व्हीलर ठीक है इसके लिए। तो आपने यार अच्छा एक बिजनेस जमा लिया, 2 साल से चला रहे इसमें? इसमें 2 साल हो गए। नया लिए थे क्या गाड़ी? हाँ, चेंज करते रहते हम लोग। तो ई रिक्शा क्यों लिया आपने? तो दूसरा भी ले सकते थे, लोडर वाला भी ले सकते, इसमें क्यों ये किया आपने? अब लोडर ले सकते थे जरूर, सभी ने बोला, लेकिन क्या है जो मेरे फैमिली बैकग्राउंड में जो चला रहे ना, मेरे बोले ये बेटर है, घूम भी सकते हैं, प्लस अपन जितना सामान आना चाहिए उसमें आ जाते हैं। देखिए पूरा जुगाड़ में इन्होंने पूरा सामान रखा। अभी कितने का सामान होगा इसमें? समथिंग 50,000। 50,000 का होगा सामान है? तो कुछ ये नहीं, इससे ज़्यादा और भी आता है, मैं तो कम रखा हूँ, मेरे परिवार वाले इससे ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, तो अभी आपका डेली का सेल कितने का है? डेली का सेल 10,000। 10,000 तक डेली सेल? 10,000। हाँ, तो ये आप शुरू में तो आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, जैसे आप TVS में घूमे हैं, आप तो पहले थोड़ा अच्छा काम करते थे, फिर अब ये वाला काम थोड़ा सा अजीब है ना, मतलब बस्तियों में घूमना या कॉलोनी में घूमना, तो थोड़ा अजीब नहीं लगा आपको? बहुत अजीब लगता है। हाँ, सर में शर्म आता है सब करने में। हाँ, लेकिन क्या है, परिवार जो प्रेशर दे रहे हैं, काम कहीं और करोगे तो क्या घर में डांट खाना पड़ेगा। हाँ, अब बाहर निकले हैं तो शर्म को मानना पड़ेगा। हाँ, सही बात है। जितना कुछ बोले, मेरे को सिर्फ गाड़ी चलाना है और जाते रहना है। तो शुरुआत में कस्टमर कैसे बनाया आपने? इससे पहले और मेरा काम था, मैं दतून बेचता था पहले। दतून बेचते थे? हाँ, पार्ट टाइम। क्या पार्ट टाइम? 2006 की बात है। अच्छा, उससे पहले मैं पेपर में था ना, तो 150 रुपये दिए मेरे को। हाँ, तो 2 महीने का 300 रुपये। तो माँ बोलते मेरे को ये सब 150 दो महीने, सुबह मॉर्निंग उठ रहा है तू, जा 2 घंटा मेरा काम कर, तेरे को डेली का 50 रुपये, नाश्ता तेरा फ्री भी रहेगा। बोले 1500 हो गया। खैर मैंने पैसा लिया नहीं घर से, मगर मैं माँ खुश हो गया, मेरा घर का डिप्रेशन कम हो गया इससे। तो उस टाइम को मैं 2015 तक किया काम, ठीक है, अब माल आना आता नहीं जैसे, अब कस्टमर कम होने लगे तो मैंने लाइन चेंज कर दी है। तो कस्टमर पहले से बने हुए थे मेरे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ मुझे। बट वही है कि शुरुआत में थोड़ा सा घूमना थोड़ा सा अजीब लगता होगा। बहुत कि मतलब हिम्मत लाना एक बहुत मुश्किल है। बहुत। और आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया बहुत, तो आपको हिम्मत आया। बहुत, बहुत लोग के परिवार वाले नहीं करते हैं सपोर्ट, है ना, मतलब लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस मत करो, डूब जाओगे, कहाँ से पैसा लाओगे। आपने हिम्मत किया, आपने चालू किया, आपने लूना से चालू किया, आपने ये सोचा कि बड़ा करने से पहले और ये करें, है ना। तो अभी कितने घंटे आप देते हैं उस काम में? इसमें वही सुबह 6 बजे से लेके 12 तक का है, वही 5-6 घंटे। 5-6 घंटे पूरा देना पड़ता है। कस्टमर रहेगा तो बहुत टाइम लग जाता, नहीं तो फिर जल्दी से आ जाते हैं। तो हर बार अलग अलग कॉलोनी में घूमते हो, जैसे अभी मैं आपको उधर पे आधे घंटे से देख रहा था, आप आधे घंटे से वहाँ पे बिजी थे, मैं सोचा आप फ्री हो जाए, तो मतलब आप हर कॉलोनी में अलग अलग दिन घूमते हो? अलग अलग दिन, अलग अलग दिन, अब अलग अलग दिन में रहते हैं, बंधा हुआ रहता है। अच्छा, और इसमें उधारी भी होता है आपका? उधारी होता है। कितना उधारी हो जाता है? उधारी कोई ज्यादा नहीं होता, 1,000-2,000 तक, कभी डेली नहीं होगा। अभी कितना रेगुलर वाले को देते हैं? ऐसे नए लोगों को देते नहीं हम, नए लोगों को सिर्फ 150 तक, उससे ज्यादा नहीं। तो अभी अगर अच्छा लगा तो, ऐसा नहीं सभी को नहीं देते। कितना उधारी होगा अभी आपका मार्केट में? मार्केट में मेरा 5-6 साल का है। 2-3 लाख रुपए होगा अभी मार्केट में? 87,000 तक है। आपको पूरा याद है? डेली अपडेट है ना मेरे पास, डेली अपडेट है। वाह, मतलब आप डेली घूम घूम के बढ़िया। तो ये इंटरेस्ट कहाँ पे लेते हैं लोग? शहर में ज़्यादा लेते हैं, मतलब सिटी वाले की ऐसा बस्ती वाले ज़्यादा लेते हैं? बस्ती वाले, छोटे बस्ती।
छोटे बस से फ्लैट फ्लैट में भी जाते हो? फ्लैट में फ्लैट लोग नहीं लेंगे ना, ये एंट्री रहता नहीं, क्योंकि कॉलोनी जैसे रहेगा ना हाँ, तो उसमें गार्ड रहता है, गाड़ी बोलता है कि यहाँ से आपको एंट्री लाओ नहीं करते। अच्छा अच्छा, किसी से नहीं, सिर्फ सब्जी और गैस का किराओ रहता है। अच्छा अच्छा, मैंने फ्राई पूछ के भी आया तो अलाउ नहीं है बोले वहाँ। तो आपके पास क्या क्या आइटम है थोड़ा सा बता दीजिए तो यहाँ पे, ये क्या क्या आइटम है आपके पास थोड़ा सा? बस जनरली सभी आइटम है, बेसन, सूजी, साबुनदाना, कीर्ति गोल्ड तेल, साबुन नहाने का नीमा सेंडल गोल्ड साबुन नंबर वन नीमा सेंडल, और ये सभी सभी मसाले हैं एवरेस्ट के, और गुड़ाखू है, दाल वाल जितने वैरायटी दाल के आते हैं वो सभी है। ये वेट मशीन, ये दाल वाल खुद पैक करते हो कि? खुद पैक करते हैं। तो इकट्ठा ले आते हो आप? हाँ इकट्ठा ले आते हैं। चना, मूंग, चाय पत्ती, नारियल, रेड पेस्ट वगैरह सभी। चावल वाल भी रखते हैं? ये तो पूरा मसाला हो गया। चावल बासमती रखते हैं। और ऊपर में क्या रखते हैं? ऊपर तेल, कीर्ति गोल्ड तेल है, मिक्सचर है और मैगी है। सबसे ज्यादा क्या बिकने वाला चीज है जो आइटम रेगुलर एकदम बड़ा चलता है? सबसे ज्यादा मिक्सचर चलता है, ये वाला कीर्ति गोल्ड तेल है, आइटम खंडा दाल रेगुलर है। अच्छा, लगभग सभी आइटम रेगुलर है। अच्छा, ऐसा किसी को नाम देती हूँ की ये ज्यादा बिकता है? सभी बिकते हैं। हल्दी मिर्ची धनिया सेकेंड लॉट चल रहा है, एक बार खत्म हो चुका है। अच्छा, दोबारा मैंने लाके फिर अपडेट किया घर जाकर के। निरमा तो मेरा डेली का डेली। ये सब आपको होलसेल में मिल जाता है? जी मिल जाता है, ये मिल जाता है ना, मतलब ये लोकल में हर सिटी में एक लोकल में होलसेल वाले होते हैं? होते हैं हर जगह। तो एक ही दुकान में सब मिल जाता है कि अलग अलग दुकान? अलग अलग दुकान, अलग अलग दुकान में। तो अगर कोई ये स्टार्ट करना चाहता है तो क्या आइटम से स्टार्ट करे तो ज्यादा बेटर है? उसको पहले से स्टार्ट करना है तो निरमा रखना पड़ेगा। निरमा साबुन, ये हर घर की जरूरत निरमा ही है। अच्छा, तो निरमा क्या लेते हैं उसके जरिए सब कस्टमर और भी सामान लेते हैं? हाँ हाँ हाँ, तो निरमा से अपन चालू कर सकते हैं और कुछ थोड़ा सा सभी आइटम रखेंगे ना तो काम चालू हो जाएगा। चालू की भरपूर मात्रा में रखें। थोक वाले दे देते हैं थोड़ा थोड़ा आइटम? हाँ देंगे ना थोड़ा थोड़ा। और उधर भी उधारी आपको मिलता है क्या? उधारी वहाँ पे थोक वाले लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। अच्छा अच्छा, और मैं उम्मीद नहीं करता कि उन लोग उधारी दे मिले, मैं नहीं चाहता क्योंकि हालत खराब हो जाएगा करके मैं लेता ही नहीं। सही बात है। तो कोरोना, कोरोना के पहले आप चलने चालू किया था ये बिजनेस? पहले से। तो कोरोना में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुआ होगा? मेरे को दिक्कत नहीं हुआ। आपको फायदा हुआ क्या? फायदा ही होता है भाई, हम लोग भले ही जो टाइमिंग है पुलिस का नहीं, समय क्या है 9-10 बजे का, दो घंटा बेचते हैं घर आ गए, बल्कि ज्यादा फायदा हुआ मेरे को लग रहा है। फायदा वैसा देखो उस समय कुछ चीजों का दाम बढ़ा देते थे, तो उसमें हम क्या कर सकते, हम लोग ले ही बेच सकते ना भाई। अब छोटे व्यापारी क्या, एक पूरा से ज्यादा नहीं ला सकते। अब गुड़ाखू के जैसे बोले लॉकडाउन में 250 रुपए चला गया था ये, 250 रुपए 300 रुपए उसमें बेचना बंद कर दिए क्योंकि हमको व्यापारी दे नहीं रहा था, और जिसको मिल रहा था तो अधिक दाम बेचे थे। और ये पूरा देखो जुगाड़ में इन्होंने क्या क्या सीट में ही पूरा सब रख दिया आइटम, और यहाँ पे क्या क्या पुट्टे का बस वो डब्बा बना दिया है, उधर से घेर दिया ताकि कोई चोरी वोरी ना कर सके, है ना? ऐसा गायब भी होता है क्या आइटम? नहीं ऐसे गायब तो ऐसा नहीं होता। और देखो पूरा इन्होंने ना ये क्या क्या, देखो छोटा छोटा चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ये हुक लगा दिया इन्होंने, एक रस्सी डाला है और इस टाइप से ना ये देखो यू वाला हुक लगा दिया है ताकि ये सब लटका सके। देखो इतना आइटम इसमें लटकाने में आ गया, तो आप भी इस टाइप से कर सकते हैं कोई भी अगर करना चाहता है। सामने भी देख रहे हैं, सामने भी इन्होंने कुछ ये रख दिया यहाँ पे रख जगह और ये लटका दिया। तो अभी आप बताइए कि क्या ये ई रिक्शा में फायदा है करना, मतलब आपको वो तो नहीं हुआ है कि ई रिक्शा गलती किया लेके या कुछ और लेना था, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं मेरे मन में कोई डाउट नहीं, ये ई रिक्शा सही है, मतलब कितना एवरेज दे देता है ये? एक दिन चार्ज करो फुल तो 3 दिन चल जाता है। 3 दिन चल जाता है? वाह यार, आपसे मिलके यार बहुत मोटिवेट हुआ हूँ मैं, और बहुत देख रहे जानकारी है। ये देखो ये यहाँ से रबड़ का ये लगा दिए हैं, ये देखो यहाँ से रबड़ का इसको यहाँ पे गिरे ना बोल के, है ना? और यहाँ पे इन्होंने पूरा ये सिस्टम लगा दिया, पीछे भी देख सकते हैं। बढ़िया है यार, एक नंबर इन्होंने ये काम कर रहे हैं। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी दिया है। और अगर ये कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कितने से स्टार्ट कर सकता है? ज़्यादा ज़्यादा 10,000 लगेंगे। 10,000 से 600 सभी आइटम रखेंगे इसे? हाँ 10,000 से चालू कर सकते हैं। बढ़िया है यार, बहुत अच्छा। और मेरे पास सभी वैरायटी जो है ब्रांडेड है। अच्छा, लोकल नहीं रखते हम। अच्छा अच्छा, लोकल रखेंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, तो वो ब्रांडेड रखना बेटर रहेगा। हाँ बढ़िया बढ़िया, जिनको कमाना है ज़्यादा तो वो लोकल रखें,
पर कस्टमर को रोज नया बनाना पड़ेगा और ब्रांडेड में रोज नया नहीं बनाना पड़ेगा। एक बार फोन से भी कस्टमर बुलाते हैं क्या आपको? हाँ फोन से बुलाते हैं। फोन से बुलाते हैं ना, उस एरिया में फिर चले जाते हो, है ना। तो अभी और बचा है कि अभी हो गया? बहुत बचा अभी तो, अभी बहुत बचा है। ठीक ठीक, करना है 2-3 बजे तक आज। अच्छा, कल छुट्टी रहेगा हमारा। अच्छा अच्छा, मंडे को छुट्टी लेते हैं? नहीं छुट्टी लेते नहीं, एक्चुअली कार्यक्रम है बाहर में। अच्छा, हमको वहाँ जाना है कल मॉर्निंग में। और ये छत्तीसगढ़ रायपुर में ही आप करते हो? पूरा रायपुर में? पूरा रायपुर में नहीं भाई, सिर्फ दो मोहल्ले। दो मोहल्ला, गोकुल नगर, गुड़ियारी, गुड़ियारी अशोक नगर, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब 4 किलोमीटर के दायरे में ही पूरा आप कर? इसका फायदा ये है कि अपन TVS लेते हैं तो पर डे मतलब 100 रुपये चलता है पेट्रोल, तो महीने का 3000 हो जाता है। तो ये बेटर मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इसमें ना एक बार चार्ज करो 3 दिन फुर्सत, तो पेट्रोल लगता ही नहीं मिल जैसा लगता है। बिजली बिल ना के बराबर, जैसे नॉर्मल बिजली बिल आता है ना, तो मेरे महीने का ये 100 रुपये चार्ज बिजली बिल आता है, 100-150 रुपये। तो मेरे हिसाब से ये बेटर है, और उसमें 3000 का पेट्रोल आपको डालना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, इसमें कोई लगता ही नहीं। बस 2-3.5 घंटा चार्ज करो, 5 चार्जिंग है और 1 घंटे में चार्ज, 2 घंटे में चार्ज होता है 2.5 घंटे में, तो मेरा पैसा बच जाता है 3000 का। उसी को मैं जो पैसा पेट्रोल लगता है तो इन्वेस्ट उसी में देता हूँ, मैं ये समझता हूँ। और 3 साल में मेरा फ्री हो जाएगा ये, और ये मेरी गाड़ी किस्ती की है ये। कितना किस्त लेते हो? 5000 मंथली। वो निकल जाता किस्त? हाँ निकल जाता, निकल जाता है। बस अपने जेब से 2000 एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, क्योंकि मेरे को देना, अब उसको पेट्रोल डालना ही था 1000 का, तो मैं इसको अपना खुद का गाड़ी और उससे अधिक सामान आता, उससे ज़्यादा सेल होता है। 40000 हो जाता है आपको इनकम? हाँ हो जाता है। ओम प्रकाश देवांगन जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा मोटिवेशन मिला यार मेरे को। मैं भी बिजनेस करता हूँ, मुझे पता है कि बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होते रहता है, लेकिन बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो आपको जॉब में नहीं दिला सकता है। आप कितना भी जॉब कीजिए, आप अगर बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बट जहाँ तक मैं देखूँ तो जॉब में आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, आपको खुद का करना ही पड़ता है। देवांगन भाई ने देखो कितना साहस दिखाया, और देखो ये स्टार्ट किए थे तो इनको भी थोड़ा सा शर्म टाइप का फील हुआ था, होता है यार, हम इंसान हैं, अगर अपन कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं और कभी किए नहीं है तो यार लगता है थोड़ा सा कि कैसे कॉलोनी में जाएंगे, कैसे बोलेंगे। ये देखो ये साउंड है ना, ये स्पीकर चलाते हो ना तो प्रॉब्लम नहीं होता है ना इसमें। तो एक छोटा सा रिस्पेक्ट देना चाहूँगा आप लोगों की तरफ से, नेवर गिव अप इंडिया की तरफ से देवांगन भाई को एक छोटा सा रिस्पेक्ट देना चाहूँगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, और अच्छा लगता है ऐसे, है ना। और आपको धन्यवाद, है ना, एक क्लैप है और एक रिस्पेक्ट है। बहुत बार देवांगन भाई रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता अपन को, और अच्छा लगता है आप जैसे लोगों से मिलते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं ताकि आप भी मोटिवेट हो, आप भी आगे बढ़े। और ये आपका बिजनेस देख के ना बहुत लोग स्टार्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी एक अच्छा काम कर रहे हो यार, कि लोगों के लिए मोटिवेट कर रहे हो आप लोग। जैसे मैंने आपसे पूछा वीडियो बनाऊं तो अच्छा लगता है, आप लोग जैसे हाँ बोलते हैं, मुझे भी ये लगता है कि चलो ठीक है, आपको देख के मेरा पूरा इंडिया से लोग देखते हैं, पूरा हिंदुस्तान से और बाहर से भी देखते हैं, तो वो आके इंडिया में फिर बिजनेस करते हैं, लेबर का काम कर रहे हैं बाहर या कोई भी ऐसा काम, है ना। और आज आपको वीडियो बना के कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा लगा। लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में? बस नौकरी अगर अच्छा ही लगा तो जॉब करें, कोई भी सर जॉरी नहीं, कहीं से करना है, अपना खुद कुछ भी करें। तो आपने किराना का दुकान क्यों नहीं खोलने का सोचा? आजकल होम डिलीवरी जमाना है, कोई किसी के घर या किसी के पास जाना ही चाहते हैं। आप जितने कस्टमर होते हैं अपने दरवाजे पर चाहते हैं, जहाँ अपने घर के अंदर चाहते हैं। मेरे कस्टमर ऐसे भी इनकी जो सिर्फ अपने घर के पास लेते हैं, घर के बाहर जब खड़े हो तो मिल लेंगे, किसी को मिल भी चाहिए सब चीज़ को, सब सीधा घर में चाहिए मिल वही। उसमें नुकसान भी होता है आपको? नुकसान नहीं, नहीं नहीं नुकसान वाला चीज़ हम रखते ही नहीं है, मतलब जो बिकता उसी के रखते हैं, या तेल वेल एक्सपायरी इस टाइप का नहीं है, वही बिक जाता है ना, जितना क्वान्टिटी हम लाते हैं उतना बिक जाता है। और घर में भी स्टॉक रखते हैं? स्टॉक रखते हैं। कितना स्टॉक होगा घर में? ज़्यादा नहीं होगा मेरे पास, मैं कम रखता हूँ, 4-7 हज़ार का रखता हूँ। अच्छा, और शॉपिंग कैसे करते हो, डेली करते हो? डेली परचेस, डेली परचेस हमारे पास कम है करके। अच्छा, अधिक बजट होता है तो इकट्ठा लेके अपन रख सकते हैं। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया, थैंक यू सो मच। और दोस्तों ऐसे मेरा वीडियो देखा कि मेरा वीडियो डेली आता है दोपहर 1 बजे, शाम को 6 बजे, ऐसे देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और कभी हार मत मानिए दोस्तों, ऐसे आगे बढ़ते चलिए, देवांगन जी को देख के सीख सकते हैं और इस टाइप से आप भी कुछ कर सकते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि आप कभी निराश मत होइए, आगे बढ़ते रहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बस हिम्मत रखिए, हिम्मत के आगे ना
पूरी संसार झुक जाती है। तो हिम्मत और लगन मेहनत ये करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेटवर्क ऑफ इंडिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, और दोस्तों तक शेयर कीजिए जितना हो सके, ग्रुप में शेयर कीजिए, मेरा हेल्प कीजिए, आप इस वीडियो को जितना हो सके बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेटवर्क ऑफ इंडिया। बाय गाइस, थैंक यू।